ट्रैक्टर ने किसानों ने तोड़ा बैरियर, पुलिस का बैरियर ट्रैक्टर से तोड़ा, दिल्ली आने के दौरान तोड़ा बैरियर। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस उग्र प्रदर्शन की बात हो रही है वो दिखने लगा है, वो आज ही से दिखने लगा है, और पुलिस का बैरियर ट्रैक्टर ने तोड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये पुलिस का बैरियर तोड़ दिया गया है और ये ट्रैक्टर है जहां पे बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड लगा हुआ था, बातचीत का कोई मतलब नहीं, बैरिकेड तोड़ के ये ट्रैक्टर आगे निकल गया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें किस तरह से बैरिकेड को तोड़कर ये ट्रैक्टर आगे निकल गया, जिस पर तिरंगा झंडा भी लगाया गया है। लेकिन यहां बातचीत नहीं करनी है बैरिकेड पे पुलिस से, ना रोकने के लिए ना हटाने के लिए, सीधा बैरिकेड के ऊपर ट्रैक्टर निकाल दिया गया है। और ये तस्वीरें सब आप देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है कि इन जैसे किसानों को अगर आप इन्हें किसान कहेंगे तो किसान नेता कैसे इन्हें कंट्रोल करेंगे, कैसे इन्हें समझाएंगे। जब एक बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हुई है तो आप इतना भी मौका नहीं देते कि पुलिस बैरिकेड हटा दे, आप पूरी के पूरे अपने ट्रैक्टर को बैरिकेड पर चढ़ा देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एकदम अंधी रफ्तार से भागता हुआ ट्रैक्टर, और जब पुलिस कर्मियों ने हाथ देने की कोशिश की और यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, वो बैरिकेड पे नहीं रुके, बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए आगे निकल गए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बुलंदशहर की तस्वीर है, और साथ ही साथ ये भी साबित कर रहा है कि कैसे 26 जनवरी को इस तरह के आंदोलनकारियों से किसान नेता बचेंगे, कैसे वो इन्हें कंट्रोल में रखेंगे। तो दिल्ली आने के दौरान ये बैरियर तोड़ दिया गया है, पुलिस का बैरियर ट्रैक्टर से तोड़ा गया, दिल्ली आने के दौरान ये बैरियर तोड़ा गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो हमारे सहयोगी जो कि सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है अभिषेक, सीधा उनका रुख करते हैं। तो अभिषेक, ये बड़ी खबर हमने बताई कि बुलंदशहर में कैसे कोई बातचीत नहीं की गई, सीधा किसान ने ट्रैक्टर बैरिकेड के ऊपर चढ़ा दिया, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कैसे किसान नेता उन उग्र समर्थकों को समझाएंगे जो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, एक तरीके से रमन ये कम्युनिकेशन गैप ही है। मैं तो ये कहूंगा कि उस नेता तक, उन किसानों तक वो बात पहुंचाई भी नहीं जा रही है, और अगर पहुंचाई जा रही है तो तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पहुंचाई जा रही है। यह मैनेजमेंट करना है उन किसान नेताओं को जिनको लेकर उन लोगों को दिल्ली तक पहुंचना है। दिल्ली पुलिस ने तो इजाजत दे दी है कि ठीक है भाई आप आइए, हम देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, कितने ट्रैक्टर आते हैं, कितने लोग आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे। लेकिन लेकर आने के दौरान अगर किसान नेता अगर लेकर आते हैं इनको, तो उनकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर दिल्ली तक पहुंचे, और उसके बाद इस चीज का परमिशन का वेट करें कि दिल्ली पुलिस इसका परमिशन दे, और परमिशन के बाद ही फिर उसकी एंट्री हो। अभिषेक, देखिए, जब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उससे पहले ये खबर आई कि किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस ने अपना काम कर दिया, अब हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। खबर ये भी आई कि किसान नेताओं ने ये भी कहा कि देखिए, हर किसान को ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आज जितने ट्रैक्टर ट्रॉलियां आज अंदर आ गए हैं बॉर्डर के अंदर, वही मार्च करेंगे। झांकी वाले ट्रैक्टर, मतलब जो बॉर्डर पे किसान उतने दिन से खड़े हैं, जितने ट्रैक्टर से यहाँ पर है उन्हीं को केवल सजाया जाएगा, उनकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होगी। ये योगेंद्र यादव ने 2 दिन पहले क्लियर किया था। अब सवाल ये है कि जो बुलंदशहर से तस्वीर आई है कि बैरिकेड को तोड़कर जो ट्रैक्टर अंदर आ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है राकेश टिकैत का वो बयान, जिसमें वो कहते हैं कि हमने तो कह दिया है किसानों को कि हर बाधा को पार करके आपको आना है बिल्कुल। और अभी भी वो यही कह रहे हैं, अभी भी जब उन्हें परमिशन मिल गई है और रूट तय हो चुका है कि आप आनंद विहार वाले रूट से जाने नहीं है, तब भी वो कह रहे हैं कि हम तो अक्षरधाम तक जाएंगे, अक्षरधाम से फिर आनंद विहार घूमेंगे, और उसके बाद निजाम और अभिषेक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार पल पल की खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे, और हिंदुस्तान पर लगातार हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।